हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आरफीओ। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए कुछ स्पेशल खास चीज़ लेकर आए हैं, और ये है हमारा स्पेशल सूट। ये हमारा एक पार्टी वियर स्पेशल सूट है, और एक ये डेली वियर स्पेशल है। तो हम आपको दोनों दिखाते हैं कि किस तरीके से हमने ख़रीदारी की है और आपको ये कितना पसंद आता है। तो सबसे पहले हम ये डेली वियर का जो हमारा है, और यह जब भी हमें कहीं हॉस्पिटल जाना है, मार्केट जाना है, तो एक सूट की ज़रूरत पड़ती है, या आसपास में कहीं जाना है, तो ये सिंपल, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लुक वाइज ये काफ़ी अच्छा है, और ये बिल्कुल डिसेंट सा है। तो इसे हम दिखाते हैं आपको। सबसे पहले देखते हैं, ये प्लाजो का कपड़ा इसमें दिया हुआ है, ये साटन गार्डन है, कॉटन इसमें नहीं दिया हुआ है, ये साटन गार्डन है। ये कपड़ा इसका काफ़ी अच्छा है, और ये देखते हैं कितना है इसमें, अच्छा सा प्लाजो बन सके। ये 2.5 मीटर कपड़ा है, ये 2.5 मीटर कपड़ा है हमारा जी। ये 2.5 मीटर का प्लाजो अच्छा आता है, अगर 2 मीटर कपड़ा रहता है तो हमारा प्लाजो अच्छा नहीं बन पाता। ये कपड़ा इसमें भरपूर दिया हुआ है, प्लाजो और या और भी कोई डिज़ाइन बनवानी है तो बहुत इजी टेलर बना देते हैं। अब आते हैं कुर्ते की तरफ। ये देखिए कुर्ता, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, सिंपल है और बिल्कुल अलग लुक दे रहा है ये। इसमें कोई कढ़ाई नहीं है, और इसका प्रिंट भी काफ़ी अच्छा है, और कपड़ा भी बहुत ही अच्छा है, शाइनिंग है इसमें। ये देखिए लुक वाइज भी अच्छा है, और इसमें मटेरियल भी, इसका कपड़े का मटेरियल है ये बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा है, सर्दी गर्मी किसी भी मौसम में इजी वेयर कर सकते हैं इसे। ये और ये प्लाजो के साथ लग के इस तरीके से आएगा। ये अभी चलते हैं दुपट्टे की तरफ। ये इसमें 2.5 मीटर का दुपट्टा है, 2.5 मीटर का दुपट्टा काफी अच्छा आता है देखने से भी, और इसकी लंबाई बहुत अच्छी लगती है। ये दुपट्टा इसका देखिए, ये आंचल में बॉर्डर बना हुआ है इस तरीके से, आंचल में भरा हुआ बॉर्डर है, और बीच में एक एक पत्ती बनी हुई है, और दूसरे साइड आंचल फिर ये भरा हुआ बना हुआ है, ये इस तरीके से। बहुत ही प्यारा कलर है, बिल्कुल अलग लुक है इसका, सिंपल और डिसेंट सा। देखिए एक साइड लेंगे तब भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा, और दोनों साइड लेने से दुपट्टा फिर भी इसकी खूबसूरती कम नहीं होगी ये। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सूट की तरफ जो पार्टी वियर है, इसे साइड कर देते हैं। ये देखिए ये सूट हमारा पार्टी वियर है, शादी में पहन के जाना है, कहीं मैरिज एनिवर्सरी है उसमें जाना है, या कोई स्पेशल मौके पर पहनना है, तो ये बहुत ही अच्छा लुक है इसका। ये आगे की दामन है, ये कलर कॉम्बिनेशन इसका देखिए, ये गोल्डन, और इसकी कढ़ाई बहुत ही बारीक वाला सितारा भी है इसमें, और रेशम भी इसमें है ये, और इसका कलर कॉम्बिनेशन रेड, और ये रानी कलर है, बैगनी, और ये फिरोजी, ये 3-4 कलर से मिलकर बना हुआ है, और बिल्कुल अलग सा पीस है ये। अब हम दिखाते जाते हैं। ये देखिए ये ऐसे बेल ऊपर गई है, गले तक इसकी कढ़ाई है, और नेक इसका अलग से बना हुआ है ये। नेक में कोई भी फूल पत्ती नहीं बनी हुई है, अलग से कलरफुल ये अपना इसका वर्क है, जो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है।
और ये काफी देखने में काफी अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये गले की कढ़ाई है। यहाँ से हाइट जिसकी ज्यादा है वो और ज्यादा कर सकते हैं, जिनकी कम है वो इतना ले सकते हैं। ये अपने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है आराम से। और देखिए ये, अभी इसमें कुछ चीजें बताना बची हुई है, वो हम आपको बताते हैं। ये इसका बॉर्डर, ये प्लेन जगह को कैसे कवर करना है वो हम आपके साथ में शेयर करते हैं। ये देखिए इसका बॉर्डर, ये बॉर्डर अलग से दिया हुआ है, तो इस बॉर्डर को हम कैसे एडजस्ट करेंगे। ये अब इसका लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है। ये बॉर्डर के साथ जब भी स्टिच होगा तो इसका लुक और भी अच्छा आएगा। और नीचे ये थोड़ा और ऊपर करते हैं तो अच्छा दिखेगा। ये नीचे ये देखिए, ये कंगूरे जैसी डिजाइन है जो इसके लुक को और अच्छा बनाती है। इससे इसमें चार चांद लग जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कमाल का इसका कॉम्बिनेशन है। और अभी इसमें इनर नहीं है, जब इनर लग के ये सिला जाएगा तो ये और उभर के आएगा। तो ये हो गया आगे की कढ़ाई। अब हम बैक की तरफ चलते हैं, इसे फोल्ड करके हम दूसरी साइड रख देते हैं। इसकी बैक और भी खूबसूरत है। ये देखिए इसकी बैक है, ये शिफॉन पे सूट है। इसका कपड़ा शिफॉन का है और इसकी कढ़ाई काफी अच्छी है, मटेरियल बहुत अच्छा है इसका। और ये इस तरीके से कढ़ाई ये नेक तक जाएगी, ये पूरी बेल बनी हुई है ऊपर तक। ये अब ये नेक्स्ट यहां से रखें या साइड में रखें, ये पूरे कंधे तक जाएगी, ये अपनी मर्जी होती है। और देखिए काफी अच्छा दिख रहा है ये। अब इसमें भी बॉर्डर को एडजस्ट करना है, तो वो देखते हैं कि बॉर्डर हमारा कौन सा आएगा इसमें और कैसा लगेगा। इसका बॉर्डर कुछ अलग सा दिया हुआ है, ये इस तरीके से बॉर्डर लगेगा इसमें। ये अब ये बॉर्डर लगने के बाद ये थोड़ा सा सिंपल नीचे का, क्योंकि आगे वाले में कंगूरा दिया हुआ है और ये बिल्कुल सिंपल हो जा रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं दूसरा और भी बॉर्डर है, वो छोटा लगेगा कि बड़ा लगेगा। ये देखिए ये दो बॉर्डर और इसमें दिए हुए हैं। एक बॉर्डर है ये थोड़ा सा चौड़ा है, ये बॉर्डर हमारा पतला है। ये तो एक बॉर्डर आस्तीन का है और एक बॉर्डर इसमें नीचे लगाने के लिए दिया हुआ है। तो आजकल अम्ब्रेला आस्तीन चली हुई है और नीचे थोड़ा सा उसकी चौड़ाई ज्यादा रहती है, तो ये अम्ब्रेला आस्तीन के लिए है। ये चौड़ा बॉर्डर वहां पे इसका लुक अच्छा आएगा। ये देखिए अभी इसको हम आस्तीन में एडजस्ट करके दिखाएंगे। इसे साइड कर देते हैं और ये जो पतला बॉर्डर है इसे यहाँ पर अपनी लंबाई के हिसाब से कितना हमें चाहिए क्या है वो इस तरीके से इसको एडजस्ट करेंगे। ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा आएगा इसका लुक। जब ये पूरा सिला जाएगा तो ये इसकी खूबसूरती और बढ़ेगी। और नीचे अभी इनर बचा हुआ है लगाने के लिए, जब इनर लगेगा तब इसका कलर काफी प्यारा आएगा। ये देखिए अभी सेम साइड में रखते हैं, आते हैं स्लीव्स की तरफ। ये देखिए इसकी स्लीव्स अलग है, जितने भी कुर्ते के पार्ट्स हैं सब अलग अलग हैं। बैग भी अलग है और ये स्लीव्स भी अलग है, इसके बॉर्डर भी अलग है। ये देखिए स्लीव्स, ये इसका वर्क बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए उठा के दिखाते हैं, ये
इसका वर्क बहुत प्यारा है और इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है। ये धोने से भी नहीं निकलना है, रगड़ से भी नहीं निकलना है और ये खूबसूरत भी काफ़ी है। बिल्कुल बारीक कढ़ाई है ये, और कपड़ा भी इसका अच्छा है, मटेरियल बहुत अच्छा है इसका। अब यहाँ पे हम स्लीव्स में दिखाते हैं बॉर्डर को कैसे एडजस्ट करना। ये स्लीव्स ऊपर तक जाएगी और ये फुल स्लीव्स बनना है और ये बिल्कुल यहाँ शोल्डर तक जाएगी। अब यहाँ पे बॉर्डर को रख के देखते हैं कैसी आएगी। ये देखिए, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये निकल जाएगा और इस तरीके से कटिंग हो जाएगी। ये अपनी मर्जी है, छोटा बड़ा जैसा जिसको पसंद है उस तरीके से इसको एडजस्ट करेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छी, बहुत खूबसूरत दिख रही है आस्तीन, और सिलने के बाद इसकी खूबसूरती और भी बढ़ने वाली है। ये डबल कलर में दिया, डबल कलर में कढ़ाई है इसकी, गोल्डन और ये बिल्कुल जिस तरीके से, येलो भी नहीं कह सकते इसको, ये हल्का सा पिंक भी नहीं है, बिल्कुल अलग सा कलर है। ये कपड़े के से रंग से मिलता जुलता कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही कमाल का है और ये लेटेस्ट बिल्कुल अभी चलने वाला फैशन में सूट है, जो अभी मार्केट में नया नया आया हुआ है सूट, ये उसी तरीके का है। ये देखिए, बिल्कुल बहुत खूबसूरत कमाल का कॉम्बिनेशन इसका है। अब हम आते हैं प्लाजो की तरफ। तो ये प्लाजो इसका दिया हुआ है, देखिए प्लाजो में कपड़ा भरपूर है, 2.5 मीटर कपड़ा है तो ये कुछ भी बन सकता है। पैंट बनाना है, जिनको पसंद है पैंट बना सकते हैं, तो पैंट बनाना है तो पैंट में कपड़ा कम लगता है। ये पैंट है, प्लाजो है, जैसा भी बनाना जिसे पसंद है, और शरारा भी बना सकते हैं इसका जी। ये नीचे कढ़ाई अच्छी दी हुई है जैसे कुर्ते में है उसी तरीके से, कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत ही अच्छा है। ये और नीचे ये जो शरारा का कपड़ा है इसमें अस्तर लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये थोड़ा मोटा मटेरियल दिया हुआ है, इसे कोई परेशानी नहीं है इसको सिलवाने में, अस्तर नहीं लगेगा। और जो पतला अस्तर लगाना चाहते हैं वो लगा भी सकते हैं, उसे लुक थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। ये देखिए, ये नीचे बॉर्डर दिया हुआ हल्का सा, ये अपनी लंबाई के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, या थोड़ा जिन्हें और कुछ लगवाना है वो लगवा सकते हैं यहाँ पे। ये बेल घुटने तक जाएगी, लगभग लगभग घुटने तक आएगी ये बेल, जो छड़ी बनी हुई है ऐसे इस तरीके से, और ये आपकी मर्जी। और हम प्लाजो बनवाने का सोच रहे हैं या शरारा, जिसे जैसा पसंद है वो अपने हिसाब से इसे यूज करते हैं। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सूट है ये। अब हम आते हैं दुपट्टे की तरफ। किसी भी सूट की जान दुपट्टे में बसती है और उसका खूबसूरत होना बहुत जरूरी होता है। तो आते हैं हम अब दुपट्टे की तरफ। 2.5 मीटर का दुपट्टा है, 2 मीटर से इतना बच रहा है, ये तो 2.5 मीटर का दुपट्टा है। 2.5 मीटर का दुपट्टा भरपूर आता है, इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। दुपट्टा छोटा रहता है तो सूट का लुक अच्छा नहीं आता है और उसे ओढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है, भारी सूट जो होता है। तो दुपट्टा जब भी लें उसे 2.25 मीटर से 2.5 मीटर का ही दुपट्टा लेना चाहिए, तो उसकी खूबसूरती बिल्कुल अलग होती है, बहुत ही कमाल की खूबसूरती होती है उसकी। अब ये देखिए दुपट्टा, जिस तरीके से जो हमारा आगे का कुर्ते का की डिज़ाइन है, ये एक तरफ दुपट्टे में साइज उसके हिसाब से दिया हुआ है, जो चौड़ा है, चौड़े बॉर्डर का है, चौड़े बॉर्डर। और ये पूरे गोल्डन से कढ़ाई है और ये कंगूरा भी इसी तरीके से बना है। अभी हम यहाँ पे लेस लगाकर इसे और खूबसूरत बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए, ये बॉर्डर, एक साइड का बॉर्डर कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल खाली हिस्सा दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक लेस इस तरीके से लगाएंगे कि जो लेस रहेगी और उसमें
लटकन रहेगा। मोती से लगा लें या बहुत सारी चीज़ मार्केट में जाने से मिल जाती है हमें। और ये जो पत्ती बनी हुई है इसकी कढ़ाई बहुत अच्छी है, देखिए ये छोटे छोटे फूल और इसकी कढ़ाई बारीक, बहुत ही बारीक काम हुआ है। ये देखने से ही लग रहा है कि ये काम इसका बहुत ही बारीक और बहुत ही सफाई से काम किया गया है इस पर, ये इस तरीके से। और जो बैक बैक में वर्क है वो कुछ कम है, तो देखिए एक साइड ये बैक से मिलता जुलता बॉर्डर दिया हुआ है जो बिल्कुल सिंपल प्लेन है, पर ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ये अपने आप में इसकी सादगी बहुत ही बेमिसाल है। ये देखिए डबल लेयर में दिया हुआ है। ये जिन्हें डबल पसंद ना हो वो यहाँ से कट कर सकते हैं, और इसे नीचे जो कट कट किया हुआ मटेरियल रहेगा उसे यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं इस साइड में। तो ये अपने ऊपर है कि हमें कैसा पसंद है। ये देखिए ये इसकी डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल अलग पीस है कलर वाइज भी और ये वर्क वाइज भी, और सिलने पर ये पहनने से और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये देखिए बिल्कुल कमाल का ये। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा सूट पसंद आया होगा, पार्टी वेयर भी और डेली वेयर भी। आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर बताइए कि सूट हमारा कैसा लगा और ये कौन सा सूट कहलाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये सूट कौन सा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारा सूट काफ़ी पसंद आया होगा।